भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सोमवार दोपहर को राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां हबीबगंज स्टेशन से लेकर प्रदेश भाजपा मुख्यालय तक उनका भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में उन्होंने विधिवत रूप से प्रदेश अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया। सोमवार को भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने राजधानी भोपाल के प्रदेश भाजपा मुख्यालय में विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण के पहले प्रदेश अध्यक्ष ट्रेन से हबीबगंज रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद हबीबगंज रेलवे स्टेशन से लेकर भाजपा मुख्यालय तक जगह जगह उनका हार फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। क्योंकि आज के समय में मुझे जो काम मिला है, आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, इसके लिए मुझे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। इसे मुझे मार्गदर्शन चाहिए। आप सब लोगों ने जो मार्गदर्शन दिया, जो पाथे दिया है, उस पाथे के आधार पर इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, उस पाथे के आधार पर ये, जिसको हम कभी कभी कहते हैं कि पद के तौर पर राजनीतिक क्षेत्र है, लेकिन हम कहते हैं कि पद नहीं, दायित्व की भूमिका में हम काम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, आदरणीय सम्राजी भाई साहब, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, आदरणीय राकेश जी, आदरणीय गोपाल भार्गव जी, आदरणीय थावरचंद जी, सब लोगों से कि प्रदेश अध्यक्ष बनाने में आप सबकी मुझे आशीर्वाद भी चाहिए और आपका लगातार मार्गदर्शन चाहिए, तब मैं प्रदेश अध्यक्ष बनकर के खड़ा हूं। ये कहीं ना कहीं मेरी आज की आवश्यकता है। पद मिलना ये तो होता रहता है, लेकिन उस पद के अनुरूप बनना, अगर मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज है जिनको मुझे ठीक करने की आवश्यकता है, तो मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कभी भी मेरा कान पकड़ के खड़ा करेंगे तो बीडी शर्मा कभी ये नहीं कहेंगे, उस काम को ठीक करने के लिए जो आवश्यकता होगी वो प्रयास करेंगे।